प्रदेश में नगर निगम चुनाव के बाद अब आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी नेता जनता को लुभाने में जुट गई है। वहीं तावडू खंड के बिस्तर गांव में पहुंचे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए तेजपाल तंवर के सोहना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी होने की घोषणा कर डाली। जो अपने दुख सुख में काम आ, भले आप लोगों ने सरकार हमारी बना दी तो आपके आदेश की पालना हम करेंगे और आगे भी करेंगे। ये तेजपाल तंवर ध्यान में है ना, ये 2019 का हमारा कानून विधानसभा के उम्मीदवार हो। शिक्षा मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए गुरुग्राम सीमा से सटे बिस्तर गांव में 12 करोड़ की लागत से महाविद्यालय बनाने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव के करीब 12 एकड़ भूमि में सभी सुविधाओं से लैस कॉलेज बनाया जाएगा, जिससे दूर दराज से तावडू, गुरुग्राम या अन्य कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने भी बताया कि अगले 6 महीने में तावडू के लोगों के लिए बीटेक, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी जाएगी और अगले सत्र में कॉलेज और बीटेक की कक्षाएं एक साथ लगाई जाएंगी। इसके साथ साथ मंत्री ने तावडू खंड के कई गांव के स्कूलों को अपग्रेड करने की भी घोषणा की। करोड़ की लागत से 12 करोड़ तावडू में हमने जमा करा दिया है और इसमें कई कसर मसर रहेगी तो ये राशि और बढ़ाएंगे और इसी प्रीमिसेस में एक बीटेक टेक्निकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हम इसी में चालू करें। अभी पूरी कर रहे हैं, प्लस टू करेंगे, सराय के विद्यालय को करेंगे, सिंधु के विद्यालय को करेंगे और जो पंचायतों के प्रस्ताव आए हैं उन पर वो मेरे ध्यान में नहीं है पर उस पर भी विचार करें। थैंक यू। अभी तो आगामी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था। रामविलास शर्मा ने मंच के माध्यम से सोहना से विधायक तेजपाल तंवर को 2019 में होने वाले विधानसभा के लिए अभी से ही प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या इस प्रकार से घोषणाएं करना कितना वाजिब है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नूसे के बघेल की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।